चलिए एक और नए स्टूडेंट से मिलते हैं, देवांश कौशिक, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 203 है, जिनको एनआईटी कैलीकट अलॉट हुआ है और जो कि जयपुर राजस्थान से। तो सबसे पहले देवांश, आपको आपकी रैंक और एनआईटी कैलीकट के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच सर, बट मेरे से आता आई गेस पूरी इम्पीटस फैमिली, आप हो गए प्रतीक सर जिन्होंने कंप्यूटर में बहुत हेल्प की, प्रतीक सर ने तो, एंड मेरी फैमिली ने बहुत सपोर्ट किया, लाइक पूरे टाइम माय फैमिली वाज देयर विद मी। कुछ भी होता पापा सपोर्ट करते, मम्मी सपोर्ट करती, मोटिवेट करते, तो उस कारण मेरे को बहुत अच्छा लगा। फ्रेंड्स ने बहुत सपोर्ट किया, 3-4 फ्रेंड्स मेरे बहुत अच्छे थे, उनने पूरे टाइम रहा साथ में, अच्छा लगा सर। चलो बहुत अच्छी बात है देवांश। क्या होता है कि जब हमारी सक्सेस होती है, हमें सक्सेसफुल हम होते हैं, तो उसमें कई सारे लोगों का एक कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली सपोर्ट होता है, और वो हमारी सक्सेस जर्नी में कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जिनको आपने अभी थैंक यू बोला, बहुत ही खुशी की बात है। तो देवांश, आपने क्योंकि ये फाइनल ईयर के साथ रैंक अचीव की और घर पर रहकर इतनी अच्छे से पढ़ाई की जो जयपुर में रहकर, तो मैं चाहूंगा कि आपने कब से ये प्लान किया कि मुझे निमसेट की प्रिपरेशन करनी है, फिर आपने किस ढंग से प्रिपरेशन की, क्या आपकी सक्सेस जर्नी और एक्सपीरियंस था, मैं चाहूंगा आप उसको डिटेल में बताएं। सर एक्चुअली लाइक मैं सेकंड ईयर में, जब सेकंड ईयर खत्म हुआ मेरा कोरोना के बाद, तो मेरे को पता भी नहीं था कि एनआईटी एमसीए कराता है। मेरे को एमसीए करना था बट आइडिया नहीं था कि एनआईटी एमसीए कराता है। थर्ड ईयर में आया, मैंने सुना एक फ्रेंड से मेरी, तो मेरे को पता चला कि एनआईटी एमसीए कराता, तो मैंने, और उसमें मैथ्स आती है, मेरे पास 12th में मैथ्स थी बट मेरा स्कोर 49 था आउट ऑफ 100, क्योंकि मैंने पढ़ाई भी नहीं की थी। मैं सच बोलूँ तो मेरे को लगा कि नहीं पढ़ लूंगा तो मैं, अच्छी बात है, फ्यूचर सेट हो जाएगा। फिर मैंने स्टार्टिंग में तो बहुत जोश में स्टार्ट किया, अगस्त में स्टार्ट किया तो बहुत जोश में कि हाँ मतलब अब कर लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, बट धीरे धीरे आते आते फिर वो वापस डाउन हिल पे आ गया कि ठीक है सब कुछ नॉर्मल हुआ, चीजें खुली बाहर, तो बाहर निकले तो पढ़ाई बंद हो गई पूरी। फिर फरवरी मार्च में वापस लॉकडाउन लगा, तो घर में कुछ करने को नहीं था। मैंने कहा उस टाइम तो मई में एग्जाम था, मैंने कहा एक बार ट्राई करते हैं 1.5 मंथ, मैंने पढ़ना स्टार्ट किया। उस टाइम मैंने आपकी मैजुअल कैप्सूल वीडियो स्टार्ट की थी, वहां पे देखनी स्टार्ट की, उससे मेरे को, मैंने बहुत देखा तो क्वेश्चंस बहुत मैच कर रहे थे मेरे को, हर जगह क्वेश्चंस बहुत जगह मिले, मैंने कहा मेरे बहुत फायदेमंद है मॉक्स, मैंने बाकी जगह मॉक्स भी दिए कई कई जगह मेरे को, उसमें आपकी क्वेश्चंस बहुत रिपीट देखे, मैंने कहा बहुत फायदेमंद है। फिर मैंने करते करते क्या, फिर आया कि पोस्टपोन्ड हो गया एग्जाम, तो मेरे को लगा कि अब छोड़ना नहीं, अब इतना आ चुका है तो आगे कंटिन्यू रखते हैं इस चीज को, तो मैंने उसको कंटिन्यू रखा। तो फिर धीरे धीरे मजा भी आया पढ़ने में कि ठीक है, मतलब वो अच्छी फोर्स आई, एक एनवायरमेंट भी अच्छा क्रिएट हुआ कि हाँ, तो इसलिए हुआ इतना सर, मतलब यही मेरे वो था कि निकला तो अच्छा लगा, पहली बार अचीव किया पढ़ाई में मैंने, लाइक मैं बहुत कम समय में आपने इतनी अच्छी रैंक अचीव की, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है कि एक तरह से जनवरी फरवरी के बाद आपने पढ़ाई स्टार्ट की और वो डेट पोस्टपोन का भी थोड़ा सा आपको फायदा मिला, तो इतने कम समय में इतनी अच्छी रैंक और कॉलेज रहना, ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो जब आप पढ़ाई करते थे और जो टेस्ट पेपर देते थे उसको एनालिसिस किस ढंग से करते थे? सर बेस्ट स्टार्ट करता हूँ, लाइक मैंने पढ़ाई स्टार्ट की थी पहले, मेरे को लगा था कि पहले पढ़ाई कंप्लीट करूंगा फिर मॉक्स देना शुरू करूंगा, बट जैसे ही मैंने देखा कि मैंने पढ़ाई कंप्लीट की फिर मैंने मॉक दिया, पहला मॉक मेरा स्कोर 384 था आउट ऑफ 1000, जो मतलब उस एनआईटी नहीं मिलेगी कितना भी इजी पेपर हो, तो ये हो गया था। तो उसके बाद मैंने क्या किया कि मैंने कहा ऐसे नहीं होता, मॉक्स देना नहीं छोड़ूंगा, मैं पढ़ाई करते रहूंगा साथ साथ लेकिन मॉक्स देना नहीं छोड़ सकता, मैंने मॉक्स देता गया मॉक्स देता गया। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि एनालिसिस से कुछ नहीं होता, सच बोल रहा, मुझे लगता कि एनालिसिस करना ही नहीं चाहिए, क्या होता है गलती दिख गई अपनी, आंसर पता है क्या था क्या गलती की दिख जाएगा, कोई गलत अपनी एनालिसिस की अगले मॉक में देख लेंगे, बट फिर नहीं हुआ। फिर एक बार मेरा स्कोर बहुत ही कम हो गया था, 220 समथिंग आ गया था, मैंने कहा अब तो एक बार देख लेता हूँ कि यार करना चाहिए एनालिसिस। उसके बाद मैंने किया, स्टार्टिंग में ऐसे नहीं एकदम से जंप हो गया स्कोर, ऐसा नहीं होता है, प्रैक्टिकल भी नहीं है, बट धीरे धीरे आफ्टर 8-9 मॉक्स मेरे को एनालिसिस से जो मेरी गलतियां थी ना वो रिपीट नहीं होने लगी। जैसे ही मैं कुछ गलती करने आता मेरे को रिलाइज जाता कि नहीं नहीं मैंने वो गलती कर रखी थी, मुझे याद आ गया कि अब वापस ये नहीं करना, तो अपने आप सही होता गया। तो धीरे धीरे वो ऐसा हुआ कि 200-300 के बाद 8-9 मॉक्स के बाद 400-500 स्कोर लाइन आई नहीं, सीधा 700 स्कोर आ गया, ऐसे ऊपर स्कोर हो गए धीरे से। और थोड़ा मॉक्स पे डिपेंड करता है, मॉक्स के लेवल पे, हर मॉक्स पे सेम लेवल सेम स्कोर आना पॉसिबल नहीं है सर, यही था। इसलिए एनालिसिस करना था, मैं बोलूंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने नहीं किया था और मैंने जब करना स्टार्ट किया मैंने शायद तक जून में स्टार्ट किया था, मतलब अगर मेरा मई में पेपर होता तो मैं तो एनालिसिस करता ही नहीं, जून में मैंने स्टार्ट किया एनालिसिस करना, उसके बाद जून जुलाई 2 महीने किया और उससे मेरा इंप्रूवमेंट आ गया। बिल्कुल सही बात बोला देवांश, ये कई बच्चे ऐसी गलती करते हैं, जैसे मैं हमेशा बोलता हूं एनालिसिस करो, उन क्वेश्चन को समझो, पर कई बार हमें ऐसा लगता है कि पेपर दे ही दिया, 2-4 ये गलतियां ये हो गई,
पर जब हम एनालिसिस करते हैं तो हम उन चीजों को एनालाइज कर पाते हैं कि हम मिस्टेक कहाँ कर रहे हैं, कहाँ पे इम्प्रूवमेंट करना है, कैसे क्वेश्चन को सिलेक्ट करना है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि इतने कम समय में आपने इतनी अच्छी हिदायत, इतना अच्छा कॉलेज मिला। आप सोचिए कि अगर आपने ये प्रिपरेशन नहीं की होती, ये स्टेप नहीं ली होती, तो अननेसेसरी ड्रॉप लेना ही पड़ता। पर एक स्टेप से कहीं ना कहीं, इसलिए मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूँ कि जिस दिन ये समझ में आ जाए कि एमसीए करना, फर्स्ट ईयर में हो चाहे सेकंड ईयर में हो चाहे फाइनल ईयर में, इमीडिएटली एक्शन तो ले ही लो। कई बच्चे जैसे होते हैं जनवरी में मुझसे पूछते हैं कि सर हम ड्रॉप ले लेंगे, हमने सोचा क्योंकि फाइनल ईयर में, तो मैं बोलता हूँ ड्रॉप तो ले लेना, पर ये जो बचा हुआ टाइम है एक बार तो ट्राई करो, हो सकता नहीं हो, इतना ही होगा, पर ये जो मेहनत है वो काम आएगी। और देखो आपने जो मेहनत की वो काम आई, और ऐसे कितने सारे एग्जाम्पल हैं इम्पीटस में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा आप अपने जूनियर्स को क्या मैसेज देना चाहोगे देवांश? सर मैं दो तीन मैसेज देना चाहूंगा। मतलब स्टार्टिंग में तो यही है कि सब लोग बोलते हैं, मतलब जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मैथ्स मैथ्स मैथ्स, और मैं ऐसा बोलता हूँ कि मैथ्स के बिना काम हो सकता है। बिकॉज मैं पेपर बिगाड़ के आया हूँ, मेरा वो प्रेशर बिगाड़ के आया हूँ, मैं बोलूंगा पेपर बिगाड़ गया अभी मेरा, मतलब ये बोलूंगा, क्योंकि मैं और सब कर सकता था। क्योंकि मैंने मैथ्स में 82 मिनट्स दिए मैथ्स में 20 में से, कितने ज्यादा होते हैं, उससे मैंने स्कोर आया 290 स्कोर आया बस, क्योंकि मेरे बहुत रॉन्ग हो गए थे, वो प्रेशर में आ गया। एक्चुअली मैं स्टार्ट करता हूँ कंप्यूटर से, कंप्यूटर मेरा फेवरेबल था, बट वो इस साल थोड़ा आउट ऑफ कोर्स ऐसा आ गया, आउट ऑफ कोर्स तो क्या, थियोरेटिकल क्वेश्चंस आ गए, थोड़ा डिफरेंट आ गया, ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था। तो एक माइंडसेट लेके अभी नहीं आना चाहिए पेपर में, जो आपने बोला भी था और मैंने थोड़ा सा किया, और बाकी अच्छा कहीं ना कहीं होता ही है वो मेन पेपर में। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई माइंडसेट मत रखो, और कोई रूल नहीं है, मैथ्स भले बहुत स्कोर होता है पर फिर भी अगर मैथ्स से स्कोर नहीं कमा पा रहा है तो रीजनिंग कंप्यूटर इंग्लिश कर सकते हो, बिल्कुल सही। बताओ मुझे ये सिलेक्शन अभी भी रीजनिंग के कारण हुआ, बिकॉज आई गेस मैंने एंड के 24 मिनट्स में रीजनिंग अटेम्प्ट की थी पूरी, और उसमें मैंने 36% अटेम्प्ट किए थे, 31 राइट थे मेरे, तो इनडायरेक्टली मेरा सिलेक्शन अभी भी वो मेरे 170-180 मार्क्स रीजनिंग में आए थे, तो वो मेरे को बूस्ट कर गए ऊपर। ये तो मेरे को एनआईटी नहीं मिलता, मतलब टॉप 5 तो बात की बात है, एनआईटी नहीं मिलता, इसलिए बहुत मैटर करता है कि आप हर सेक्शन पे ध्यान दो। और इंग्लिश नहीं होता था मेरे, बहुत सारे फ्रेंड्स से इंग्लिश नहीं होता था, तो इंग्लिश नहीं करना चाहिए, मेरे से होता था तो जितना बनता है कर लेता हूँ, जितना इंग्लिश बोनस तब है अगर आपका टाइम बच रहा है 5-7 मिनट्स में, आपके 30-40 मार्क्स आ रहे हैं तो आपके लिए बोनस तेरे काम करेगा। इंग्लिश पे डिपेंड मत रहना, और नहीं आप तो अटेम्प्ट मत करना, कोई ऐसा कुछ नहीं है, और ना सिर्फ मैथ्स पे डिपेंड रहना कि मैथ्स में पूरे मार्क्स निकाल लेंगे 6 मिनट सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं हो पाता है, क्योंकि नहीं हो। बहुत अच्छी बात बोली देवांश, एक्चुअल में ये भी स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, कई स्टूडेंट के मैथ्स में क्वेश्चन क्लिक कर जाते हैं, कुछ को रीजनिंग में, पर मेरा ये मानना है जैसे आपने अभी बात बोली कि हर बच्चे को बैलेंस बना के चलना है। मान लो मैथ्स करते करते जहां बनना बंद हो जाए वहां पर रीजनिंग करने लग जाओ, जहां रीजनिंग बंद हो जाए वहां कंप्यूटर करने लग जाओ, अगर आपका इंग्लिश में होता अटेम्प्ट तो इंग्लिश करो, नहीं तो वापस मैथ्स पे आ जाओ, यानी अगर एक प्रॉपर वे में पेपर किया जाए तो बहुत अच्छा है। वही बात जो मैंने अभी बोली, मैं हमेशा बोलता हूँ कोई माइंडसेट करके जाना ही खतरनाक होता है, कि हम माइंडसेट करके गए मैथ्स ही मैथ्स करेंगे तो भी गड़बड़ है, और केवल ये सोच के गए कि रीजनिंग करेंगे तो भी गड़बड़ है। तो मेरा ये मानना, और ये बहुत अच्छी बात आपने बोली, कई बच्चे नर्वस हो जाते हैं मैथ्स में, कभी कभी स्कोर कम होता है तो बोलता हूँ रीजनिंग से कमा लो, रीजनिंग में कम होता है मैथ्स से कमा लो, यानी हर जगह से स्कोर कमाया जा सकता है, बस स्कोर को कमाना है, बटोरना है, और सारे सेक्शंस को अच्छे से करना है। सर एक्चुअली ये मतलब, और दूसरा ये कि मैथ्स को आप जैसे बोलते थे कि 2-3 बार में करना चाहिए वो करना, मैं ऐसे मैथ्स को एक बार में ही करता था, तो वो मेरी गलती थी, और जब मैंने ट्राई किया 2-3 बार में करना, मेरे से अच्छे से बनी, मेरे स्कोर भरा, लेकिन वो एंड के 2-3 मॉक्स में किया मैंने, अब उससे क्यों आ कि मैंने पूरी स्ट्रेटेजी अलग थी मेरी, अब मैं एंड टाइम पे चेंज नहीं कर सकता उसको, वो स्ट्रेटेजी को शुरू से फॉलो करेगा कि मैथ्स को 2-3 बार आएगा मैथ्स पे तो जैसे बोलते थे मैथ्स पुरानी लगेगी, तो वो मैथ वर्क करता है, मैथ्स पुरानी लगेगी तो मैथ्स वर्क करती है, रीजनिंग पुरानी लगे रीजनिंग नहीं लगे रीजनिंग सॉल्व करनी पड़ेगी। मैथ्स का होता है कि पुरानी है तो जल्दी क्लिक करती है कि हाँ क्वेश्चन देखा हुआ है टिक करो, और पता ही चलता है टिक, एक क्वेश्चन डायरेक्ट टिक करने में कितना फायदा मिलता है, वो बाहर आके रिलाइज होगा पेपर से कि यार एक क्वेश्चन सीधा टिक किया था। ऐसे इस साल भी क्वेश्चन गलत आता है 45 वाला, तो लोगों ने देख के टिक कर दिया, जबकि क्वेश्चन गलत था तो पता भी नहीं चलता कि प्रेशर इतना होगा उस टाइम, क्वेश्चन में पढ़ोगे और टिक करोगे, तो ये बहुत मैटर करता है सर, और बस इतना ही सर बेसिकली। तो और बाकी सर यही है कि प्रेशर में आने से सबकी स्ट्रेटेजी अपनी अपनी अलग अलग होती है, जैसे कि कुछ लोग होंगे, जैसे मैंने कंप्यूटर स्टार्ट किया तो मैंने कंप्यूटर देख के प्रेशर में आ गया, अब किसी का मैथ स्ट्रॉन्ग है उसे मैथ से स्ट्रॉन्ग किया, वैसे तो मैथ इजी आई थी, बट जो कंप्यूटर के मैथ्स में आएगा तो प्रेशर में रहेगा कि कंप्यूटर नहीं हुआ मेरे से, सही बात है, मैथ्स पे आएगा उसके लिए मैथ्स इजी है, तो आप कैसे अप्रोच करते हो, पर कौन पहले के अटेम्प्ट करते हो सब मैटर करता है उन 2 घंटों में। देवांश एक अच्छी बात मुझे आपके इंटरव्यू में लगी कि आपकी रैंक इतनी अच्छी है 203, उसके बाद भी आपको ये पता है कि आप कहाँ पे थोड़ी सी रैंक और अच्छी होती, कहाँ पे गड़बड़ कर गए, और ये बताने में आपको बिल्कुल हेजिटेशन नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है
नहीं तो कई लोग अपनी कमियां नहीं बताते, जैसे आपने सब कुछ बता दिया कि मैं कहां पर, अगर बाई चांस आप भी मैथ से ही स्टार्ट करते कंप्यूटर की जगह तो मेंटली थोड़ा और पॉजिटिव हो गए होते। तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे स्टार्टिंग के 4-5 क्वेश्चन नहीं बनते हैं, प्रेशर में आ जाते हैं। तो ये हर बच्चे को ये बात बहुत अच्छे से समझना चाहिए, सुनना चाहिए। अच्छा देवांश, मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा अभी, क्योंकि अब जैसे 8 महीने बचे हैं, लगभग 7 से 8 महीने, तो आपका उन बच्चों के लिए क्या मैसेज है जो अभी भी कंफ्यूजन में है, डायलेमा में है कि क्या करें क्या नहीं करें, क्योंकि आपने ये अचीव किया है, आप जो बोलोगे वो बात कहीं ना कहीं किसी को क्लिक करेगी। सर मैं बोलूंगा कि मतलब मैं अपना एग्जांपल दूंगा बेस्ट, मैंने मार्च में स्टार्ट किया है, और मैंने तो मई के लिए स्टार्ट किया था मार्च अप्रैल में, और मैं ऐसा बच्चा लाइक मेरे 12th में 72% मैथ्स में 49 मार्क्स 100 में से बिलो एवरेज मानूंगा मैं उसको भी, ठीक है। तो मुझे जैसा बच्चा अगर एफर्ट्स कर सकता है तो एक नॉर्मल बच्चा अगर एफर्ट्स करेगा तो कर सकता है, कोचिंग सेल्फ स्टडी सब बात की बात है, एफर्ट्स करोगे तो अपने आप निकल सकता है। हाँ ये बोलूंगा कि मॉक्स कंटिन्यूअसली देना, जितना हेल्प मॉक्स करेंगे आप कितनी रिफ्रेशर कर लो कितनी गाइड कर लो, मॉक्स से ज्यादा हेल्प कुछ नहीं करेगा ना, एनालिसिस भी बहुत हेल्प करेगा। अब दिन के 2 मॉक्स दो लेकिन एनालिसिस करना, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से नहीं किया, मैं सबको बोलूंगा कि एनालिसिस जरूर करना है, मेरी बहुत बड़ी गलती थी एनालिसिस नहीं करना, मैंने बाद में स्टार्ट किया करना 2 महीनों में, अगर मैं 2 महीने और पहले करता तो वही है। बिल्कुल सही बात है कि 202-203 की जगह हो सकता है 20-30 रैंक होती है अगर आप पहले से एनालिसिस करते, और इतना कम मैथ्स में स्कोर होने के बाद भी आपने कॉन्फिडेंस दिखाया, वो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस बहुत काम आता है कुछ जगह, और ये कॉन्फिडेंस ने देखो आपको अच्छी रैंक दी। तो देवांश आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप कई लोगों के लिए आइडियल और एक रोल मॉडल जैसा काम करने वाले हो, और मैं एक और बात बोलूंगा जो लोग मिसगाइडेड या कंफ्यूज होते हैं उनको जरूर आप गाइड करो आगे जाके। सर थैंक यू सो मच सर, थैंक यू वंस अगेन, ऑल द बेस्ट, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू बेटा।